हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, रितिका यादव, तन्वी जायसवाल, साहिल यादव, सोनम शेखावत, नितिन यादव, साक्षी यादव, वंशिका, मनीषा, विशाल, आदित्य, बंटी, ऋतिक कुमार, अनुष्का, अंकित यादव, मोनिका सिंह। भाई ये दो बंटी हैं, एक बी यू एन टी वाई बंटी है और एक बी ए एन टी आई बंटी है। दो बंटी हैं हमारे पास में, ऋतिक कुमार, अनुष्का, आदित्य सिंह। चलिए बेटा, रेडी है सभी बच्चे क्लास लेने के लिए? चलिए तो बच्चों, मैं आपको सॉल्व करवा रही थी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस, है ना। और जो चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, थोड़ा सा और रिमेनिंग है, उसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आपको वो क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। आज सैटरडे है तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हाँ जी बेटा, चलिए तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर के रेडी हो जाइए क्लास लेने के लिए, ठीक है। और मेंशन कर लीजिए आज की डेट, कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास ली नहीं थी, उनकी फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रीडर का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। थ्री क्वेश्चन जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, हनी कॉम बुक है आपकी, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है थ्री क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और मैं सॉल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए अभी जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो पैनिक ना करें कि मैम हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। आप सभी को YouTube पर जाना या पाठशाला पर ही जो वीडियो वाला सेक्शन है ना, उस पर क्लिक करोगे तो लास्ट जो इतनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं वो सभी आ जाएंगी, उनमें आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्योंकि आप खुद क्लासेस में नहीं जुड़े थे, तो बेटा नुकसान तो ऑब्वियस है कि होना ही था आपका, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और बच्चों, लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको थ्री क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। हमने कल सॉल्व किया था, व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मजिशियन, किंग जो था वो मजिशियन के पास क्यों जाता है, सॉरी, किंग को एडवाइस क्यों दी जाती है कि उसे मजिशियन के पास जाना चाहिए, है ना। और सेकंड हमने सॉल्व किया था, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन किसे बताया जाता है। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, आज हमें ये करना है ना, आज हमें ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, ये भी यहाँ से, ये जो है आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। मैंने टू क्वेश्चन जो थे बीच में आपके चैप्टर में यहाँ पर दिए हुए थे, टू क्वेश्चन कल यहाँ से सॉल्व करवा दिए थे। ये पेज नंबर है आपका 10 पर थे, पेज नंबर 10 पर टू क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। और ये लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है वर्किंग विद द टेक्स्ट, इससे मैंने टू क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको राइट कराऊंगी। तो आपके हिसाब से तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको राइट करना है।
ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नेम है थ्री क्वेश्चंस। आप भी जब भी वर्क करें बच्चों, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। पहले ऊपर की जो है फीलिंग्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले डेट मेंशन करें, चैप्टर चैप्टर का नेम मेंशन करें, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 5 राइट करेंगे आप। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके क्या क्या आंसर्स आए, जो वाइज पर्सन्स थे, वाइज मैन जो थे, उन्होंने क्या आंसर दिए। तो थर्ड क्वेश्चन के क्या क्या आंसर दिए थे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन के क्या क्या आंसर दिए थे बताओ, क्या क्या आंसर दिए थे थर्ड क्वेश्चन के। पहले तो देखो थर्ड क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम करना था, कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर क्या आए थे, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आंसर मेंशन करेंगे बच्चों। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने हैं मोनिका बेटा, क्वेश्चन भी राइट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन भी राइट कर लो और आंसर भी राइट कर लो, दोनों को राइट कर लो। कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैम ने कौन से क्वेश्चन का आंसर राइट करवाया है, ठीक है। हाँ, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द वाइज मैन, क्वेश्चन 6 है, मैन विन द रिवॉर्ड इफ नॉट
व्हाई नॉट। समझिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड। जो वाइज मैन आए थे आंसर देने के लिए, क्या उन्होंने रिवॉर्ड जीता, इनाम जीता उन्होंने? अगर नहीं जीता, इफ नॉट सो व्हाई नॉट, अगर जीता तो ठीक है, लिख दीजिए कि हाँ जीता, लेकिन अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? तो आप मुझे एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि क्या वाइज मैन जो थे उन्हें रिवॉर्ड मिला, क्या उन्हें रिवॉर्ड मिला? से यस और नो, उन्हें रिवॉर्ड मिला या नहीं मिला, बताओ। नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं जीते। क्यों नहीं जीता बेटा? भाई एक जो था कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है, राजा सेटिस्फाई हुआ तो आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। तो बताओ कि क्यों नहीं मिला उसको? भाई वाइज पर्सन आए थे ना कोर्ट में और उन्होंने अपने जो है अपने तरह से आंसर भी दिए थे, फिर उन्हें रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला? इसमें रीजन पूछा है कि टेल व्हाई दे डिडंट गेट रिवॉर्ड, बताओ कि उन्हें रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। आंसर लिखेंगे द वाइज मैन, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज, रीजन पूछा है, सो बिकॉज दे डिड नॉट, बिकॉज दे डिड नॉट Because they, थोड़ा सा चेंज करना है इसको, because they told, because they told different different answers, because they told different answers so king was not satisfied with them, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर दिए थे, है ना, डिफरेंट आंसर दिए थे, इसलिए किंग जो था वो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। राजा को अपनी इच्छा के मुताबिक आंसर नहीं मिले थे, इसलिए जैसे आंसर उसे चाहिए था वैसा आंसर उसे नहीं मिला, इसलिए उसने किसी भी वाइज मैन को रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, चलिए, हैव यू नोट इट बेटा, नोट हो गया है? एक बार समझा देती हूं, देखो, What suggestions were made in answer to the third question? जो third question था उसका क्या answer दिया गया, यानी कि जो अलग अलग wise person आए थे उन्होंने क्या answer दिए थे? So to the third question, some said science. कुछ लोगों ने science को important बताया, others chose fighting. कुछ लोगों ने, जैसे fighting का मतलब है कि जैसे राजा महाराजाओं के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, वार टाइप,
तो उसको उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया कि आप तो अपने जो है सोल्जर्स को प्रिपेयर करो, है ना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप धार्मिक पूजा करवाया करो, है ना, रिलीजियस वर्शिप रखो, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या वाइज मैन जो थे उन्होंने रिवॉर्ड जीता। इफ नॉट, अगर नहीं, सो वाई नॉट, क्यों नहीं जीता उन्होंने। सो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, जो वाइज मैन थे उन्होंने रिवॉर्ड नहीं जीता, क्यों, बिकॉज दे टोल्ड डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। एस लगाना बच्चों, एक आंसर नहीं दिया था, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। सो किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, इसलिए किंग उनसे सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। तो रिवॉर्ड किस लिए था, जब किंग को सही आंसर मिल जाते, ठीक है, तो उसे सही आंसर मिले नहीं, इसलिए उसने उन्हें इनाम दिया नहीं, ठीक है। चलिए, सो मैं अब इरेज कर रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे। हैव यू रिटन बेटा, हैव यू रिटन ऑल, चलिए। जो स्टूडेंट्स राइट कर लेते हैं, बच्चों बैठे नहीं रहना है, जो आंसर मैंने राइट करवाया है, क्वेश्चन क्या है उसका मैंने आंसर क्या राइट करवाया है, बैठकर उसे रिवाइज किया करो, है ना। चलिए, सो सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन हर्मिट और किंग ने दोनों ने मिलकर वुंडेड मैन की हेल्प कैसे की, कैसे की थी बच्चों, याद करके बताओ कैसे की थी। लिखेंगे आंसर, द किंग एंड हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग, उसके कपड़े उतारे एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। जब कपड़े खोले तो पता चला कि उसके पेट में, उसके जो स्टमक है, पेट है, उसमें बहुत बड़ा वुंड हो रखा है, घाव हो रखा है। फिर क्या किया, द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, फिर राजा ने उस घाव को साफ किया और उसे कवर कर दिया। कैसे कवर किया, विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसे ढक दिया। रुमाल से उसे ढक दिया
बट इनफ है क्या? इतना ही? चलो इतना ही बहुत है, हैंडकरचीफ तक ही कर लो. द किंग एंड हर मेड रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इन विद इट विद हिज हैंडकरचीफ. और राजा ने उसे अपने हैंडकरचीफ से कवर किया. और भी है वैसे तो इसमें, द मैन फेल्ट बेटर, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हु वॉज द बियर्ड मैन? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है. हु वॉज द बियर्ड मैन? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? हाँ हो गया, और बड़ा करवाऊं क्या? हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? आगे और लिखना चाहते हो तो किंग ने उसे वाटर पिलाया था, उसके बाद में दोनों उसे हट में लेकर के गए थे. बड़ा करवाऊं क्या थोड़ा सा और लिखवाऊं? नो, और लिखवाऊं? लिखवा दूं? लिखना है तो टू लाइंस और लिख सकते हैं इसमें अपन. चलो ठीक है. चलो लिख ही लो वरना मन में रह जाएगा कि पूरा आंसर नहीं हुआ है ना. थोड़ा सा और है वो और लिख लो तुम इसमें, थोड़ा सा आंसर और है वो और लिख लो इसमें. हैंडकरचीफ, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर and gave to him. The king with the हर्मिट्स हेल्प कैरेट द वाउंडेड मैन इनटू the hut and laid him on the bed. ये लो बच्चों, अब तो ठीक है, लास्ट में उसे बेड के ऊपर सुला दिया है अपन ने. ठीक है, द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड. वंश पूछा गया है बेटा कि हु वॉज द बियर्ड मैन? बियर्ड मैन था कौन, ये पूछा गया है. ये नहीं पूछा कि उसे कैसे देखा था किंग ने, है ना. वो कौन था, कौन था वो? नीचे लिख दूं, यहाँ पे आ जाएगा. देखो क्वेश्चन 8 है, Who was the beard man? ये beard man था कौन?
किंग था वो। अच्छा, किंग था वो, मैंने स्टोरी में क्या समझाया था, वो किंग को क्यों मारना चाहता था, ये जो बियर्ड मैन था ये किंग को मारना चाहता था, उसको मारने के लिए आया था। जब उसने किंग को हर्मिट के पास अकेले आते हुए देखा था तो उसने सोचा कि जब राजा वापस अपने घर को लौटेगा तो मैं रास्ते में छिप करके बैठ जाता हूँ और जब वो लौटेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन क्योंकि किंग हर्मिट की हेल्प ले ही नहीं पाया, हर्मिट ने उसे आंसर दिए ही नहीं, इसलिए वो शाम तक हर्मिट के पास ही काम करता रहा। तो जो ये था बियर्ड मैन था, ये झाड़ियों में छुपा हुआ था, ये परेशान हो गया कि शाम हो गई, राजा तो वापस आया ही नहीं, तो क्यों ना मैं उसको बाहर निकल करके देखता हूँ। और जैसे ही ये बाहर निकलता है राजा के सिपाही इस पर हमला कर देते हैं और ये घायल हो जाता है, इसके स्टमक में वूंड हो जाता है। और ये दौड़ा हुआ कहाँ पहुँच जाता है, हर्मिट और राजा के पास पहुँच जाता है, है ना, यही तो स्टोरी है। इसी से तो समझ में आता है राजा को सारी बातें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है ना। हाँ, सो ये बियर्ड मैन कौन था, एनिमी ऑफ किंग। कौन था ये, एनिमी ऑफ किंग था। ये राजा का एनिमी क्यों था, दुश्मन क्यों था, बिकॉज किंग गेव द पनिशमेंट ऑफ डेथ टू हिज ब्रदर, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मौत की सजा सुनाई थी, इसलिए वो उसका दुश्मन था। ठीक है बच्चों, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी सीज कर दिया था, इसलिए ये राजा का दुश्मन बन गया था। ठीक है, सो आंसर मेंशन कर लेना, द बियर्ड मैन वॉज द enemy of king। अब क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, अगर इसमें पूछा जाता कि वो कौन था और क्यों था, तो अब उसमें रीजन नहीं पूछा है कि वो उसका एनिमी क्यों था, है ना। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि बियर्ड मैन कौन था, तो बियर्ड मैन कौन था, एनिमी ऑफ किंग, राजा का दुश्मन था। सो नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे। आई होप जिन बच्चों की क्लासेस लास्ट नहीं हो पाई थी वो बच्चे वीडियोस से जो रिकॉर्डिंग है उनसे अपनी क्लासेस को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। जब वो राजा का एनिमी ही था तो उसने राजा से माफी क्यों मांगी, बच्चों उसने राजा से इसलिए माफी मांगी कि वो तो राजा को मारने आया था, है ना, वो तो उसे नुकसान पहुंचाने की नीयत से आया था, लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली थी, है ना। और राजा तो राजा होकर के जमीन पर सोया हुआ था, जबकि वो राजा का दुश्मन होकर एक साधारण इंसान होकर के बेड पे सोया हुआ था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ऊपर मेंशन कर देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे ऑप्शन बनाया हुआ है बेटा, मतलब पार्टीशन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन 8 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है। पहला तो ये हो गया ना, हु वॉज द बियर्ड मैन, बियर्ड मैन था क्यों, फिर पूछा गया है कि उसने राजा से माफी क्यों मांगी, तो सेकंड है इसका, वाई
did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से क्षमा याचना क्यों की, क्षमा क्यों मांगी, माफी क्यों मांगी? तो आंसर देखो, ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस because he wanted to kill the king but the king saved his life he felt very sorry when he saw the king laid down and he was on the bed. ये लो बच्चों, ये आंसर हो गया आपका. He asked for the king's forgiveness. उसने राजा से माफी मांगी because he wanted to kill the king. क्योंकि वो राजा को मारना चाहता था. But the king saved his life. लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई. He felt very sorry. उसे बहुत बुरा लगा. When he saw, जब उसने देखा, the king laid down. किंग तो नीचे लेटा हुआ है. एंड ही वॉज ऑन द बेड, जबकि वो खुद बेड के ऊपर था. राजा के सामने एक ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं वो ऊंची जगह पर नहीं बैठते थे, है ना. उनकी रेस्पेक्ट में वो ऊंची जगह पर नहीं बैठते थे, राजा के सामने नहीं बैठते थे, नीचे बैठा करते थे. तो उसे बहुत बुरा लगता है जब वो देखता है कि राजा तो राजा होकर भी फर्श पर सो रहा है और मुझे कहाँ सुला रखा है, बेड के ऊपर सुला रखा है. ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही. मैंने आज आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं? समझ में आ रहे हैं आपको आंसर जो मैं करवा रही हूँ बच्चों? ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू. ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है. कुछ एक बच्चे हैं जिनकी क्लास छूट गई थी, जो जिन्होंने चैप्टर स्टडी नहीं किया, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी. तो कोई बात नहीं है, अगर आपको रिकॉर्डिंग के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से चैप्टर को पढ़ा दूंगी. ठीक है, बाकी आप सभी बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बुक खोल कर खुद भी पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, सबसे पहले तो बुक्स परचेज करो ताकि आप पढ़ सको. ठीक है बेटा, हाँ जी. और होमवर्क में आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन आंसर मैं राइट करवा रही हूँ, आपको इन्हें फेयर कर लेना है. ठीक है, और साथ में ही इन्हें लर्न करना है. कल संडे है और संडे को आपका टेस्ट होना है, तो सभी बच्चे टेस्ट के लिए भी रेडी रहें. और टेस्ट में मैंने जो दिया है वो ग्रामर पोर्शन है. ठीक है,
तो ग्रामर में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आपको टू टेंस जो है कंप्लीट करवा दिए गए, पास्ट परफेक्ट तक पढ़ा दिया ना मैंने, पास्ट परफेक्ट तक करा दिया, तो पास्ट परफेक्ट तक के ही क्वेश्चन उसके अंदर शामिल है। ठीक है बच्चों, तो आप टेंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि कल का टेस्ट जो है अच्छे से आप कर पाओ। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।